सो थंबनेल देखिए आप लोग को पता चली गया होगा क्या जानो कहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना है पनवेल स्टेशन, और पनवेल स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि 300 रुपये लेते हैं। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर अपना पर्सनल गाड़ी भी लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग भी दी गई है। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज़, किड्स के लिए 30 रुपीज़, और अगर आप DSLR लेके जा रहे हो कोई फोटोग्राफी के लिए तो वहाँ पे आपको 190 रुपीज़ देना पड़ेगा। यहाँ भी अगर आप कोई प्लास्टिक कैरी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शो करके 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और रैपर दिखाने के बाद ही आपको वो 100 रुपया वापस होगा। वैसे ये सेम मैंने अपने कनेरी के सारे ब्लॉग में बता दिया था, अगर अब तक आपने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस जगह पर आपको दो कैंटीन देखने को मिल जाएंगे। ये जो अभी आप मेरे राइट में देख रहे हो वो है पहला कैंटीन, और दूसरा कैंटीन अंदर साइड में। इस जगह की एक और बात है कि यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पेड़ पौधों के बारे में डिटेल्स ये रहेगा, और तो और यहाँ पे जो जो तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं उसका भी डिटेल्स आपको ऐसे ही रोड पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने पूरे फैमिली के साथ आए हो जिसमें से बुजुर्ग और बच्चे भी हैं तो आप उनको यहाँ पार्क में छोड़ सकते हो जब तक कि आप ट्रैक पूरा करके वापस ना जाओ। और क्योंकि इस जगह का नाम कर्नाला बर्ड सेंचुरी है तो चिड़ियाँ दिखाना तो ज़रूरी है। और होता क्या है कि बारिश में चिड़ियाँ वैसे आपको देखने को नहीं मिलती हैं, तो कुछ बर्ड्स को यहाँ पिंजरे में भी रखा जाता है ताकि आप लोग जब भी आओ तो इन बर्ड्स को एटलीस्ट देख के खुश हो पाओ। वैसे अगर आप विंटर या समर में आते तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बर्ड्स तो देखने मिल ही जाता। अब हम लोग आ चुके हैं कैंटीन नंबर 2 में। वैसे इन कैंटीन की एक खास बात है कि इनको पूरा औरतें चलाती हैं, और जैसे ही आप कैंटीन से 2 कदम आगे बढ़ोगे तो आपको कर्नाला फोर्ट जाने का रास्ता दिख जाएगा। सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज जिस जगह हम लोग आए हैं वो है कर्नाला फोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा दिखा दिया गया है कि आते कहाँ से, पर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने वाले और दिखाने वाले आपको फोर्ट के ऊपर का नज़ारा। तो बिना वक्त गवाए हम लोग निकल पड़ते हैं आगे ट्रैक करने की ओर। वैसे इस जगह पे आप याद रहे कि काफ़ी ग्रिप वाला शूज़ लेके आओ, क्योंकि रास्ता देख के आप लोग समझ ही सकते हो कि यहाँ पे चढ़ने में तो उतना तकलीफ नहीं होगा, पर जब आप उतरोगे तो बहुत ज़्यादा स्लिप करोगे। तो कर्नाला फोर्ट अभी आई थिंक अब 1 घंटा और बाकी है पहुंचने के लिए, तो वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। बड़ो आगे ऐसे रास्ते देखिए आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो ट्रैक है वो आसान ट्रैक तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक कि आप ये भी बात ध्यान रखना कि आप जो भी पत्थर पे पैर रखो उस पर आप ध्यान से पैर रखना, क्योंकि बहुत सारे बारिश के टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप पत्थर पे रखो और पैर स्लिप होके आपका एंकल ट्विस्ट हो जाए। और इस जगह पे एंकल ट्विस्ट होना मतलब कोई खतरे से कम नहीं है। वैसे व्लॉग करने के चक्कर में जोश जोश में यहाँ तो आ तो गए, पर लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऊपर जाने में। पर मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि कैसे भी करके ऊपर तक तो पहुँचना ही है, और ब्लॉग को कंप्लीट करके आप सब तक पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। जब भी आप ऐसे रास्ते से गुजरो तो ये याद रखना कि एक बड़ा पत्थर आपके साथ में ज़रूर रहेगा, तो उस पर हाथ रख के आप आगे बढ़ना, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग अगर अपना हाथ कोई गलत जगह पे रखे तो फिसल के आप लोग को चोट भी लग सकती है। इस कर्नाला फोर्ट के ट्रैक के दौरान आपको ऐसे रास्ते भी मिलेंगे जहाँ से आपको पहाड़ों के बीच से होके जाना पड़ेगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना। वैसे जो जूता मैं पहन रहा हूँ उसका कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, बट आप डिस्क्रिप्शन पर जाके एटलीस्ट ऐसा शूज़ को देख के पसंद कर सकते हो अपने लिए। तो पहाड़ से होने के बाद आपको वाटरफॉल के पानी के बीच से भी होकर जाना पड़ेगा। वैसे ट्राई करना कि यहाँ पर बंदर भी आते हैं तो आप उनको छेड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने उन लोगों को छेड़ा तो वो लोग फिर आपको छेड़ देंगे। तो हम लोग दूर से ही बंदरों का फोटो निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग से वादा किया गया था कि आज हम लोग कर्नाल फोर्ट कवर करेंगे, पर यूं ही रास्ते में हम लोग को वाटरफॉल भी दिख गया, तो चलते हैं वाटरफॉल भी एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि कोई यहाँ का चीज मिस ना हो जाए। वैसे आप लोग जब भी यहाँ पे आओ ना तो एक बॉटल पानी कैरी करना और कुछ स्नैक्स रखना, क्योंकि ऊपर में आपको कोई भी दुकान देखने को नहीं मिलेगा। चलते
हाफ पे पार तो हो गए, पर लगे रहने आगे, देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं। पहुंच तो जाएंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो। चलते हैं आगे, चलते हैं। जैसे जैसे आप इस रास्ते में चलोगे तो आप कोशिश करना कि खुद से ही बोलने का कि भाई बस थोड़ा दूर और, बस पहुंच ही गए। उससे क्या होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे और जैसे आपको ये बोर्ड दिखे करनाला फोर्ट का, तो यहाँ से सीधा होके आपको निकलना है। और तो और जब भी आप रास्ते से गुजरोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नवी मुंबई का व्यू देखने को मिल जाएगा। और तो और यहाँ पे अगर आप फोटो खिंचवाओगे तो लाइक्स और शेयर्स की तो बारिश हो जानी है। ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सिंपल टिप्स है, जब भी आप ऐसे बैग कैरी करो ना तो ट्राई करो कि थोड़ा इसको टाइटली पहनने का, क्योंकि बैग जितना आपके बॉडी से चिपका रहेगा उतना उसका वेट लाइट लगेगा, और अगर आप लूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा वेट लगेगा, जिसके कारण आपको ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और जब भी आप लोग ऐसे चलते चलते पॉज लो तो ट्राई करो थोड़ा सा बैठने का, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ जाओगे तो फिर आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा और आप आगे चल नहीं पाओगे जल्दी। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको ट्रैक के लिए बताया जाएगा, बने रहो वीडियो में। वैसे ट्रैकिंग की एक और खास बात है कि जब आपको मंजिल अपने आंखों के सामने देखने को मिल जाती है तब आपको लगता है कि आपका मेहनत फाइनली सफल हुआ। तो ट्रैकिंग का बेस्ट बात यह है कि आप लोग जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसा खुला आसमान देखने को मिलता है। हम लोगों ने अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग यहाँ पे, अभी बस 15-20 मिनट के बाद और है फिर हम लोग तुरंत ऊपर पहुँच जाएंगे, आपको पूरा फोर्ट दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ ट्रैक में, क्योंकि इस साइड आप देखो, इस साइड भी शहर है, यहाँ पर भी शहर है, और हम लोग यहाँ बीच से होके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जो करनाला फोर्ट है वो उस साइड है, क्लाउड्स वगैरह आपको दिख नहीं रहा होगा, पर सोचिए आप चढ़ रहे हो और क्लाउड्स आपके आसपास है, कितना अच्छा फील आएगा। तो चलिए क्लाउड्स के बीच से होके करनाला फोर्ट पहुँचते हैं। तो वो रहा करनाला फोर्ट जो कि अपनी फाइनल मंजिल है। इस रास्ते के दौरान आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह पे आपको काफी सीनिक व्यू देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लोग अक्सर बैठ के थोड़ा आराम करते हैं इतना बड़े ट्रैक करने के बाद। तो करनाला फोर्ट की चोटी में पहुंचने से पहले ही आपको छोटा सा दुर्गा माँ का मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग माता का आशीर्वाद लेते हैं और जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपना सफर पूरा करने की ओर। वैसे इस समय तक आपके पैर जवाब दे चुके होंगे, पर हो सके तो कान में ईयरफोन लगा लेना और कर हर मैदान फतेह का गाना लगा के खुद को कन्विंस करते 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 आप ऊपर तक पहुंच जाना, और खुद से ये बोलना कि जब इतना मेहनत करके इतने ऊपर तक आ ही गए तो कुछ देर और सही। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के पहले में भी कहा था कि आप लोग पानी लेके ज़रूर आना, क्योंकि अगर आप लोग पानी लेके नहीं आओगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण आप चक्कर खा के गिर भी सकते हो। वैसे एक और बात, अगर आप लोग ऐसा ट्रैकिंग करते हो तो ट्राई करना कि आप बारिश के समय में या फिर ठंडे के समय में आना, क्योंकि गर्मी में इतने ऊँचाई पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहेगा और आप गर्मी से ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाओगे। करनाला फोर्ट पहुंचने का ये रहा आखिरी पड़ाव, जहां पे आपको ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ के आपको फोर्ट देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, तो आपको ये याद रखना है कि आप लोग को थोड़ा बहुत ट्रैक करके वाटरफॉल के बीच से होके इस सीढ़ी तक पहुंचना है। सीढ़ी तक पहुँचोगे उसके तुरंत बाद आपको करनाला फोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ ही रहे, आप अगर इतना दूर तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरी और आपके तरह जो भी ट्रैक के एंथुजियास्ट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो जैसे आप लोग फोर्ट पे होगे तो आपको ऐसे दरवाजे देखने को मिल जाएंगे। ऐसे दरवाजे देख के आप लोग को एक बात का तो याद जरूर आ रहा होगा कि ये कोई ना कोई महाराजा का है। तो ये जो फोर्ट है वो तुगलक और यादवों के शासनकाल में बनाया गया था 14 सेंचुरी में। तो ये जो आपने अभी बंदर को देखा, ये शायद आप सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, मेरी तो आप लोग सुनते नहीं हो,
पर हो सके तो इस बंदर की सुन लेना और फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ पे उस समय में पानी बचा के रखा जाता था ताकि ऊपर जो सैनिक तैनात है उन्हें कभी भी पानी को लेकर परेशानी ना हो। ऐसा व्यू देखने के बाद एक चीज़ की तो गारंटी है कि आप लोग का जितना भी थकान था वो तुरंत ही गायब हो जाएगा। और ये रहा करनाला फोर्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट। तो यहीं पे आज का व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पर अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना मत भूलना। सो आई होप आपको करनाला फोर्ट का पूरा टूर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों से शेयर करना जिनके साथ आप ये मॉडरेट ट्रैक करना चाहते हो। मिलते हैं नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।